नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बालाघाट नगर मुख्यालय से लगी मॉल नगरी भरवेली ग्राम में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कराया गया, जहां इस अवसर पर 6 दिवसीय विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मंदिर में भगवान श्री राम, लला, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति सहित हनुमान जी और शिवलिंग की मूर्तियां स्थापित की गयी। शनिवार को सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन कर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ हवन पूजन से हुआ। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम में शामिल होने सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और महाआरती कर महाप्रसादी ग्रहण की और लाभ अर्जित किया। वहीं इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण और सदस्य सहित श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। जो है निर्माण किया गया है, यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई। जी जी, जी। क्या मतलब सफल प्रयास रहा समिति का और यहाँ के भक्तजनों का? समिति का पूर्ण सफल है। जो समिति ने पहले वचनबद्ध की रही, जो पुराना मंदिर था उस समय जिस स्थिति में मंदिर में पानी भर गया था, ईश्वर की मूर्तियाँ मतलब काफ़ी डूब गई थी, जलमग्न हो गई। तो समिति ने आपस में मिलकर और निर्णय लिया कि भाई इसका उद्धार किया जाए। तो काफ़ी प्रयास की समिति ने और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त किए। और जो प्रभु की मूर्तियाँ जैसे राम दरबार है, हनुमान जी की मूर्ति है, भगवान शिव जी की मूर्ति है, जो पहले जो पुरानी मूर्तियाँ थी उनको बदल करके मतलब नई मूर्तियाँ लाई गई हैं। अभी जो आप राम दरबार देख रहे हैं, ये राजस्थान से लाया गया है। भगवान शिव का मंदिर जो है, नंदी जी और शिवलिंग जी भी राजस्थान से, जयपुर से लाया गया है। और प्रभु हनुमान जी हमारे जो बाजू में हैं, उन्हें जबलपुर भेड़ाघाट से लाया गया है। पहले की जो मूर्तियां थी यहाँ पर है, पहले की जो मूर्तियां थी यहाँ पर जी, उसमें क्या निर्णय लिया गया समिति के द्वारा, कहाँ स्थापित की गई? वो अपने भरवली ग्राम में जो मंदिर है, और मंदिर वो छोटे छोटे मंदिर है, उनकी मंदिर की समितियाँ यहाँ आके अपनी राम मंदिर भरवली की समिति से मुलाकात किए। और साथ में जो हमारे पंडित जी थे जो इलाहाबाद से आए हैं, और ये जो पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपन्न करवाया, उनके साथ विचार विमर्श हुआ। और उनके विचार विमर्श के बाद समिति ने निर्णय लिया कि भाई वो मूर्तियाँ जो मंदिर समिति है दूसरी मांग रही, उन्हें दिया जाए। तो मंदिर समिति ने उन्हें दे दी। जैसे भव्य राम मंदिर के निर्माण में जो है जी, मतलब जो खर्चा आया है जी, जो सारी जो खर्चा उसको समिति ने वहन की, कि बाहर से भी कोई सहयोग मिला है अन्य लोगों से? नहीं, पूरे गांव से, पूरे भरवली ग्राम पंचायत से। भरवली ग्राम पंचायत से नहीं जी, गाँव वासियों से। हाँ, ग्रामीणों से, ग्रामीणों से, ग्रामीणों से, भरवेली और उसके आसपास के ग्रामीणों की शामिल थी। भरवेली राम जो जैसे बालाट में कुछ हुए, भरवेली, कुछ हीरापुर, कुछ मानेगांव, हमारे और अन्य जो अपने परिचित मित्र मंडली है, उनसे उनसे राम भक्तों से निवेदन किया गया। उन्होंने भी अपने क्षमता अनुसार अपना योगदान दिए। जी बताएं, मंदिर में जो है मूर्तियां स्थापित की गई, इसको लेकर 6 दिन तक अभी क्या क्या कार्यक्रम अनुष्ठान किए गए? कलश यात्रा थी, कलश यात्रा निकाली गई। तमाम क्षेत्र से जो महिलाएं हैं, सभी को निमंत्रण था। सभी से निवेदन किया गया कि आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं, कलश यात्रा निकालें। और सामान्य रूप में निकाला गया कोरोना पीरियड को देखते हुए, और उसके बाद में फिर दूसरा कार्यक्रम चालू हुआ। और इस तरह कार्यक्रम करते करते 5 दिन कार्यक्रम बिता, और पाँचवें दिन हमने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, जिसमें माननीय हमारे माननीय मंत्री जी भी आए हुए थे, और आदरणीय गौरीशंकर मिश्र जी भी पहुँचे हुए थे, जिनको उपस्थिति में सब कार्यक्रम आपको होते देखे। और आज अंतिम दिन है पूजा पाठ और हवन के पश्चात ये नगर भोज हो रहा है, और लगातार जारी है जब तक सब्जी और चावल खत्म ना हो। और समिति के द्वारा जो है सफल प्रयास रहे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं इसके लिए सपोर्ट कर रहे राम मंदिर समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, उनमें जन चेतना जगाने के लिए बहुत अच्छा।
ऐसा कार्य हुआ जहाँ पर आप आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के बारे में जानकारी ले सकते हैं, गुरु के बारे में हमारे समझ सकते हैं। समिति ने बात को गंभीरता दिया, जो पुराना जीवन से मंदिर था उसको डिसमेंटल करके एक नया मंदिर का निर्माण किया और मंदिर के निर्माण में ग्राम के हर श्रद्धालु का सहयोग प्राप्त करें, उसको एक बहुत बड़ा मूल्य, बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्राप्त हो पाए।